अच्छी बात है। ये वाली लिया है देखो, सुपर स्पाइसी, तो इसको ट्राई करेंगे घर जाकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम है और मैं अभी जिम में हूँ, क्लासेस करा रही हूँ। तो दो क्लासेस हो चुकी हैं और आज जुम्बा का सेशन है, तो मैं आपसे एक सेशन शेयर कर सकती हूँ क्योंकि बाकी की दो तो मैं करा ही चुकी हूँ। उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा फील में होती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि कैमरा नाम की चीज़ भी है जो मुझे सामने लगानी है। तो अब इस वाले बैच में मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ, तो मैं इस वाले बैच में कैमरा लगाऊंगी और आज का आपको जुम्बा का सेशन थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, जैसे कि बीच बीच में दिखाती रहती हूँ। एक आधा प्लांट ले लेते हैं, तो आज प्लांट लेके घर चलेंगे। तो ये भैया देखो कितना मस्त पौधा है, ये वाला या पर्पल वाला, यही वाला दे दो, यही वाला। ये तो फूल गोभी की तरह लग रहा है। हाँ जी। खाने का तो नहीं है ना ये? क्या लूँ, ये वाला लू, ये वाला लू, ये वाला ले लो। चलो यही दे दो, यही वाला। हाँ यही वाला। जिम से घर पहुंच चुकी हूँ मैं और चेंज भी कर लिया मैंने बाहर जाने के लिए, तो चलो बाहर चलते हैं, लंच भी कर लिया। तो बाहर मेरे को आज जाना है शूज लेने के लिए, तो आज हम जाएंगे तिब्बतन मार्केट शूज लेने के लिए। और मेरा ना बहुत मन था कि वहां से मैं स्नीकर्स लूँ, तो मेरे को ना जिम में, जुम्बा क्लासेस में और वैसे भी स्नीकर्स बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब पहनने के लिए। तो चलो देखते हैं, अगर सही मिला रेट तो दो ले लूंगी, नहीं तो एक ही ले लूंगी। तिब्बतन मार्केट मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ती है और मेट्रो से मैं जा नहीं रही, स्कूटी से जा रही हूँ, तो इस वजह से मैं आज़ादपुर साइड से आ गई, तो यहाँ पे और थोड़ा सा लंबा रास्ता है, तो चलो चलते हैं। और बाकी जब तिब्बतन मार्केट पहुँची तो वहाँ पे पार्किंग का हमेशा प्रॉब्लम होता है, तो हमें नहीं पता था कि यहाँ पे पार्किंग है, लेकिन फिर जब हमने आगे बाकियों की गाड़ी टो होते हुए देखी ना, तो फिर हमने कहा चलो यार पार्किंग में लगा देते, क्यों रिस्क ले। फिर आगे गए तो यहाँ पे दिखा था कि टू व्हीलर्स नॉट अलाउड, फिर आगे जाके पता चला कि यहाँ पे टू व्हीलर की पार्किंग भी है, तो हम फाइनली पार्किंग अंदर घुसे और पार्किंग में हमने पर्ची कटवाई और पार्किंग में स्कूटी फाइनली पहुंच गई, स्कूटी पार्किंग लगा दिया। तो चलो अब लेते हैं अपने जूते और थोड़ा बहुत मार्केट में घूम ले। बाकी मेरे को तो जूतों की एक्साइटमेंट हो रही है, फाइनली मेरे शूज आ रहे हैं, बहुत टाइम से मैंने वेट करा कि मुझे यहीं से शूज लेने आते। हमें यहाँ से सीधा जाके अंदर गली निकलेंगे ना, तो किसी भी गली में घुस जाएंगे, सारा मार्केट की तरफ जा रहा है। जैसे ही मार्केट पहुंचे तो यहाँ पे एक छोटू सा गेट था जिसके अंदर से ये सारे निकले जा रहे थे कि खत्म ही नहीं हो रहे थे, और हम खड़े होके वेट कर रहे थे कि कब इनका खत्म होगा और हम निकलेंगे। चलो आंटी आप भी चले जाओ, चलो भैया आप भी आ जाओ, फाइनली हमारी बारी आ गई। तो यही छोटी सी गली है जो तिब्बतन मार्केट के अंदर जा रही है, तो अब हम पहले जाएंगे सबसे पहले शूज लेने के लिए। उसके बाद एक चीज और है, शायद वो मैं खाऊंगा अगर ज्यादा अंदर जाएंगे तो, लाफिंग नाम है उसका। तो चलो पहले खाते नहीं है, शूज खरीदते हैं। बाकी शायद यहाँ पे भी लाफिंग ही मिल रही है, देखो ये यही आंटी ने लगाई हुई ना येरी। चलो पहले इसमें देखते हैं। स्टार्टिंग में ही शॉप थी तो हम उसके अंदर घुस गए, मेरे को लगा कि शायद इसके अंदर भी ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, तो ट्राई कर सकते हैं। और इसके ऊपर वाला भी रेड भी, तो यहाँ पे पसंद नहीं है, मतलब इनके पास वैरायटी कम थी, तो एक शॉप पे मैंने पिछली बार देखा था, तो वहीं पे देखते हैं शायद वहाँ पे मिल जाए। जिम वालों को ना दो चीज़ों से बहुत प्यार होता है, एक तो अपनी सेहत, दूसरा अपना गेटअप। तो मुझे अपने गेटअप से भी बहुत प्यार है और सेहत से भी, तो मेरे को बड़ा मन करता है अलग अलग तरीके के शूज और ड्रेसेस पहनने। इस वाली शॉप पे देखते हैं, मैंने पिछली बार यहीं पे देखे थे। तो जैसा मैंने सोचा था वही हुआ, मैं इतने सारे शूज़ को देख के कन्फ्यूज हो गई कि कौन सा लूँ, मुझे सारे ही इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे और सारे ही मुझे लेने का मन कर रहा था। आई विश कि कभी ऐसा भी हो कि मैं सारे शूज़ ले पाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी सारे शूज़ लेना पॉसिबल नहीं है, तो एक ही शूज़ मुझे पसंद करना है। और मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, लेकिन भैया और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे थे मेरे हाथ में इतने सारे जूते बार बार दे दे के। तो मेरा कभी ध्यान एक से हटता फिर दूसरे पे जाता, दूसरे से हटता तो तीसरे पे जाता।
शूज खरीदते खरीदते मैं अपने आप से ही वार्तालाप करने लग जाती हूँ कुछ इस तरह। ये ले लो। आपको मैं पेटेंट में चाहिए, पेटेंट में कोई आता है, बाकी ये सब मैं ट्राई कर लूँ। हटाए मेरे को ये वाला शूज बनाना है, लेकिन ये वाला भी है, लेकिन इन जो जो पसंद आया मुझे साइज नहीं है, तो ये वाला ट्राई कर लेते हैं। इतनी देर तक भैया का दिमाग खाने के बाद मैंने एक शू पसंद करा, तो उसको ट्राई कर रही हूँ, तो अब देखते हैं पहनने के बाद कैसा लगेगा। इधर भी है, उधर भी है, शॉपिंग में छोटा मिरर है। ये वाले शूज है और एक और, दोनों में कंफ्यूजन ही है। ये देखो जिम में यूज हो जाएंगे, लेकिन ये जिम में नहीं आएंगे जिम में ना। को दोनों शूज पसंद थे, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन जो मैंने आपको बताई वो ये थी कि एक शू जो था वो थोड़ा स्टिफ था, तो उसको मैं जिम में यूज नहीं कर सकती, बाई चांस जैसे जंप वम करनी हो नहीं कर सकती। लेकिन जो मेरे हाथ में है वो थोड़ा सा ठीक सा था, वो जिम टाइप था। दो शूज मेरे हाथ में होते हुए भी मेरी नजर बाकी शूज पे थी। मुझे एहसास हुआ कि इससे पहले भैया मुझे धक्के मार के बाहर निकाले, तो मैं शू ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने ये वाला शू ट्राई करा, तो आप देख के बताना मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगा। मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले वाले भी पसंद थे। देखो ये कुछ ऐसे है, ये वाले मस्त लग रहे हैं मुझे नाइक के। तो अभी कंफ्यूजन है कि कौन सा। अगर आप भी मेरी तरह शू लवर हो और अगर आप ऐसे शॉप पे जाते हो, ऐसी शॉप में जहाँ पे इतने प्यारे प्यारे शूज हो, तो आप क्या करोगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरी तरह ही हो जाओगे पजल। तो मैंने ये वाले शूज लिए, देखो शूज ले लिए। आप थोड़ा सा चलते आगे, लाखिंग खाते हैं जो मैं आपको बता रही थी ना, तो चलो दिखाती हूं आपको। अगर आप दिल्ली में रहते हो ना, तो आपको तिब्बतन मार्केट का नाम ना रटा होगा, जो मजनू की टीले पे है, और इतना रश होता है ना यहाँ पे, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट, तो आसपास यूनिवर्सिटी है तो कॉलेज स्टूडेंट तो यहीं पे बैठे रहते हैं। कि यहाँ पे कोरियन रेस्टोरेंट्स और कोरियन फूड की वजह से ये मार्केट बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। बाद में हम गए लाफिंग खाने के लिए, जो कि यहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड है। तो ये कुछ इस तरह से बनता है, इसके अंदर कच्ची नूडल्स डलती है, और इसका जो ये रोटी टाइप बना हुआ है ये मैदे का होता है, और इसके अंदर गार्लिक का पेस्ट डलता है, तो बहुत अलग सा फ्लेवर आता है। इसमें मिर्ची बहुत ज्यादा लगती है, अगर आप अपने हिसाब से मिर्ची डलवाना चाहो तो वो भी आप बता सकते हो उनको कि आपको ज्यादा तीखा खाना है या कम तीखा खाना है। चलो वैसे तो मैं दूसरी बार खा रही हूँ, पहले खा चुकी हूँ, हालांकि पिछली बार मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। वैसे तो इसको स्टिक से खाते हैं और चॉपस्टिक से खाते हैं, लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे बस की नहीं है, तो मैंने हाथ से ही खा लिया। क्या फर्क पड़ता है, जाना तो मुंह में ही है ना। आज अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा था। देखो कुछ ऐसा है, शॉपिंग हो गई है, तो थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं। पिछली बार मैंने नूडल ये वाली लिया है, देखो सुपर स्पाइसी, तो इसको ट्राई करेंगे घर जाकर। पिछली बार भी ली थी मैंने, लेकिन वो नॉर्मल थी, मिर्ची विर्ची नहीं थी, वो ऑरेंज वाली थी, वो देखो वो पड़ी ना, तो आज हमने सुपर स्पाइसी लिया। बाकी यहाँ पे बहुत सारा सामान है। ये क्या है, स्नो कुकी। अच्छा इसका क्या प्राइस है। अच्छा प्राइस, अच्छा नॉन वेज है, निकल गया सेकंड रो पूरी वो वेज है। अच्छा 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 ये गोल वाला वेज है। चलो ये कॉफी भी ट्राई करेंगे। दो कॉफी के पाउच ले लेते हैं, लेकिन भैया ने बोला कि दो तरीके की कॉफी, एक बेस्ट कॉफी एक थाई कॉफी, तो आप एक बेस्ट कॉफी ट्राई करना और एक थाई कॉफी ट्राई करना, तो मैंने बेस्ट कॉफी ले ली, तो घर जाके इसको ट्राई करेंगे। तो अब शॉपिंग भी हो गई है, थोड़ा बहुत सामान भी ले लिया, तो चलो देखते हैं बाहर निकलते निकलते अगर कुछ पसंद आ गया तो। नहीं स्लिंग बैग भी चाहिए था, लेकिन फिर कभी जाना। बाकी यहाँ पे ना शूज स्लीपर और कपड़े जो होते हैं ना काफी मस्त मिलते हैं।
तो इसी के साथ हम बाहर निकल चुके हैं। वैसे यहाँ पे जैकेट सारी चीज़ें हैं, लेकिन ना शूज़ ही लेने थे मैंने, सोच रखी थी अब नेक्स्ट टाइम ना जैकेट या ट्राउज़र में से लेने आऊँगी ना, तब आपको दिखाऊँगी ट्राउज़र वगैरह। तो चलो अब घर चलते हैं, मज़ा आया है। हो कि आपको जूतों की नॉलेज क्या, जूते दिखे होंगे अच्छे अच्छे, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ना फर्स्ट कॉपी मिलती है सारी। अंधेरा होने के बाद हमें सामने कुछ इस तरह से नज़ारा दिखा, मतलब लाइट्स जल रही थी जब हम पार्किंग की तरफ जा रहे थे। तो चलो अब सीधा आपको मिलती हूँ घर पे। पहुँच गई और अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मैंने ढंग से खाना नहीं खाया। सुबह भी चावल खाए, दोपहर में भी चावल खाए, तो चलो पहले चाय पीते हैं कुछ बढ़िया सी, तड़कती भड़कती, क्योंकि गले में खांसी हो रही है, मतलब गले से खांसी हो रही है। तो दिखाती हूँ मैं जो बिस्किट हमने लिया ना, क्लाउड बिस्किट, क्या है, स्नो बिस्किट, स्नो कुकी नाम है। खोल यार, खोल और ट्राई यार, ट्राई कर। खाना तू खा पहले। अरे सच्ची में टेस्टी है, शुगर आई नहीं, खट्टी मीठी है, ये तो टेस्टी है। ले थी ना स्नो कुकी, जल्दी आ, स्नो कुकी, कोरियन स्नो कुकी। क्या करना, कोरियन मार्केट में गई थी ना मैं, अच्छी है ना। स्मोक कुकी नहीं स्नो कुकी। अबे स्नो बोला है मैंने, स्मोक नहीं बोला है। इसको दो, इसको, मेरे पास एक और है स्नो कुकी, कोरियन स्नो कुकी। और मैं ये भी लाई हूँ, कहाँ है ये अपना, देख मेरे लिए, तू खा लियो, जब बना लेंगे व्लॉग तू ही खा लियो, मैं एक दो चम्मच, मैं तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। क्या दिखाया, से टर्न कर, देखो ये वाली हमने सुपर, टर्न कर ना, ये जो ली थी ना सुपर स्पाइसी, तो इसको बनाएंगे अभी नहीं, बाद में कभी बनाएंगे। फ्रूट्स खा ले, और मेरी ये वाली है, मतलब ये वाली पीनी है, ये कॉफी पीनी है, चल जाके देखो जी। मैं इतनी देर से यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ, मम्मी मेरे को खाने के लिए बुला रही है, तो चलो आपको भी डांट सुनवाती हूँ अपनी मम्मी से, मतलब मम्मी से डांट पड़ेगी, क्योंकि मम्मी ने बहुत देर पहले खाना बना दिया था। आग किसने लगाई है जो इतना धुआं हो रहा है, देखो बेचारी शाश। मैगी खाई, मैगी, इतने सारे छोले हैं, क्या बनाया आपने, मेथी का पराठा, मेथी। तो खाना हो चुका है, तो अब पॉपकॉर्न बना रही हूँ मैं, देखो बज रहे ना, बस डर है कि जल ना जाए, चेक करती हूँ। चलो ओ बन गए, मुझे तो भर गए पूरे, एक ये और एक ये, दो पाउच डाले थे बस। तो अब हम दो, इतने दिनों से पॉपकॉर्न रखे हुए, बार बार रोज पूछी से बोलती हूँ कि कोई खा लो, कोई खा लो, कोई खाता ही नहीं, तो आज मैंने बना ही दिया, मैंने कहा कि मैं ही खाऊंगी। जल गए थोड़े से, अलग कर देती हूँ। मैनू खाएगा ले। तो खाना पीना भी हो गया, मजा आ गया। और अगर आप शू लवर हो ना, तो तिब्बतन मार्केट में मजनू के टीला पे जो है, तो वहां जाके शूज ट्राई करना, वहां पे आपको बहुत ही वैरायटी के शूज मिल जाएंगे। तो मैं तो अपने ले आई हूँ, और आप भी ला सकते हो, ले आना आप। तो चलो अब इस व्लॉग को एंड करिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आएगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।